अब स्टार्ट कर सकते हैं सर। हाँ हाँ ओके, तो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ अर्चना तिवारी। मैं अगेन आपके सामने लेकर के आ रही हूँ पाठ एक है गति के नियम। गति के नियम में हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे है संवेग की अविनाशिता का नियम। बच्चों, संवेग की अविनाशिता का नियम के पहले आपको लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं संवेग, बट थोड़ा सा रिविजन जरूरी है सो दैट आपको क्लैरिटी जो है वो रहे कि संवेग क्या है। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है हमको ना, साइंस वगैरह में एक अच्छी बात है कि कुछ हिंट जो है ना, वो हमारा टॉपिक हमें कुछ हिंट दे जाता है। तो यू नेवर नीड टू, यू आर नॉट सपोज टू यू नो रेटिफाई द थिंग। आप हमेशा इसको याद रखिए कि ओके, वेग के संग कुछ तो और है। तो व्हाट इज ये है संवेग? तो सबसे पहली चीज क्लियर हो रही है, वेग को हमने v द्वारा हम दर्शाते हैं। तो v मास इंटू वेलोसिटी, इसका मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल ही बच्चों, तो एक तरीके इस वेग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फुटपाथ पर यू आर वॉकिंग, आप चल रहे हो, ओके, आप ओके, तीन सिचुएशंस आपके साथ हम, एक होगा हमारा सिचुएशन वन, एक होगा सिचुएशन टू, दूसरा होगा नंबर दे देते हैं वन टू, अज्यूम करने जा रहे हैं बच्चों, ओके। पहला आप सिचुएशन, यू नो योर वॉकिंग, और आप एक साइकिल से आप जो हैं एक ओके, तो साइकिल उस पर कोई 10-12 साल आपकी टक्कर हो जाती है। सिचुएशन ए, इसमें एक कार है, इससे आपकी टक्कर हो जाती है, और यह एक टकरा जा रहे हो, ठीक है। तो इमेजिन अगर कि ये जो साइकिल थी 10 किलोमीटर पर आवर इसकी भी स्पीड थी, 10 किलोमीटर पर आवर जिसे आप कहते हो किमी पर घंटा, प्रति घंटा, और इसकी भी स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा ही थी। तीनों की स्पीड तो सेम है बच्चों, साइकिलिंग भी बच्चा बहुत फास्ट कर रहा था, कार भी उतनी ही तेज गति के साथ, उतनी ही उसकी वेलोसिटी थी, और ट्रक उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही थी 10 किलोमीटर पर घंटा। बट अब सिचुएशन वन में क्या है, आपको थोड़ी सी लगेगी बच्चा भी गिर जाएगा, आप भी थोड़े से, मतलब मेरे ख्याल से तो आप गिरोगे भी नहीं, बस आप थोड़े से लड़खड़ा जाओगे, और आपको शायद थोड़ा बहुत मिट्टी इधर उधर थोड़ा लग जाए, मतलब नुकसान जो होगा वो कुछ ज्यादा नहीं होगा।
सिचुएशन टू में डेफिनेटली कुछ गहरी गंभीर चोटें आ सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डियां टूट सकती हैं। बट इन द थर्ड सिचुएशन, जब हमारी हम फुटपाथ पर चल रहे हैं और टक्कर हमारी ट्रक से हो रही है, इमेजिन बचने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, हम शायद ही बच सकते हैं बच्चों। तो उसमें यू नो इट कैन कॉज अ डेथ। तो क्या चेंज था, क्या चेंज था? जो नुकसान है वह बढ़ता जा रहा है, सिचुएशन ए में बहुत कम है, सिचुएशन बी में ऑब्वियसली ज्यादा है, बट सिचुएशन सी में तो एकदम ज्यादा है। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? द्रव्यमान। यहाँ द्रव्यमान साइकिल का कम था इसलिए नुकसान कम हुआ, थोड़ा उससे ज्यादा था इसलिए नुकसान थोड़ा ज्यादा हुआ, और सी केस में नुकसान जो है वो 100% बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान, उसका मास बहुत ज्यादा है। तो ये ओवरऑल गुणनफल द्रव्यमान का, वेग का, दोनों ही मैटर करते हैं। ये हमें संवेग समझाता है कि वो वेग के साथ वो दूसरी चीज क्या है, संवेग, मतलब संवेग जिसे हम बोलते हैं। मैं आपको उसको तोड़ के बता रही हूँ, तो जिससे आपको रटना ना पड़े और नाम ही अपने साथ अपना उत्तर लेकर के आए, जो आपका प्रश्न है वो अपने साथ आपको उत्तर पेश कर दे। तो संवेग, अब आपको याद होगा कि ओके, संवेग टीचर ने एग्जाम्पल दिया था साइकिल का, कार का और ट्रक का, तो द्रव्यमान वहां पे जो था वह हर एक का अलग अलग था। तो ओके, संवेग जो है यहाँ द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। ओके, तो ये तो रह गया, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया संवेग को, जो कि है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अगर आपको वन मार्क की ये परिभाषा पूछे, संवेग की परिभाषा लिख, वेग किसी पिंड का द्रव्यमान से आप दर्शाएंगे स्मॉल वी द्वारा, पी इक्वल टू एमवी, पी इज इक्वल टू पी, मोमेंटम जिसे कहते हैं, संवेग को बच्चों मोमेंटम कहते हैं, पी दर्शाते हैं, तो पी इज इक्वल टू एमवी। आपके आपको इसकी इकाई भी आप बता सकते हो। तो अगर संवेग, तो संवेग की इकाई मास को हमने मास की ग्राम में की, मास मतलब द्रव्यमान जो है वो किसमें, मास जो है वो मीटर से सेकेंड ही संवेग की इकाई है। ओके, तो इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, जो कि टॉपिक नहीं है बट डेफिनेटली सब्जेक्ट की अविनाशिता का नियम मेरा टॉपिक है। मैं आप सबको बता दूं कि संवेग क्या है। ओके, अब अविनाशिता का नियम आपको हमेशा, मैं आपको रेटिना नहीं है, उसके टाइटल में आप मतलब नष्ट होना, संवेग का मतलब विनाश, इसका मतलब संवेग जो है वह नष्ट नहीं हो रहा है, स्थिर है। इफ आई वॉन्ट टू बी मोर प्रिसाइज, कॉन्स्टेंट है, स्थिर है, एक जैसा है। जैसे बच्चों, जैसे वहां पे हमने एक सिचुएशन लिया था, हम वो टर्म बहुत अच्छे से समझ गया, क्यों ना वही चीज के लिए चलो समझते हैं। हाँ, दो बॉल्स हैं ए और बी, और बी वो कुछ अपने वे वेग, तो अपने वेग से वह दोनों बॉल चल रही हैं,
माना कि उसका जो प्रारंभिक वेग इसका है वो यू1 का प्रारंभिक वेग यू2 है, कुछ ना कुछ वेग से दोनों। अब क्या होती है, मान लो कि ये जो गेंद ए है जिसको हमने ए नाम दिया है, इसका जो प्रारंभिक वेग है वह थोड़ा सा अधिक है किसके तुलना में, गेंद बी की तुलना में। दो गेंद आपने ऐसे इमेजिन करना है आपको कि ऐसे लुढ़क रही है, आपने दगला दिया तो क्या हो रहा है कि गेंद ए जो है वहां थोड़ी सी ज्यादा उसका वेग है बी की अपेक्षा। तो और मान लो इसका द्रव्यमान जो है, यहाँ पे हम उसका वेग लिख दिए हैं u1 और u2। इसका द्रव्यमान माना बच्चों m1 है, गेंद ए का द्रव्यमान उसका मास m1 और इसका मास m2, इसका मास m2 है। भाई गेंद का कुछ तो द्रव्यमान होगा, हल्का हो चाहे भारी बट कुछ तो होगा, तो मान लेते हैं इसका m1 और इसका मान लेते हैं m2। ओके, अब उसके बाद ये सेकंड सिचुएशन क्या है, इसका प्रारंभिक वेग अधिक होने के कारण ये जाकर के टकरा जाती है और ये होती है ए और बी के बीच में टक्कर, झिशुम, तो ऐसे धड़ाम से दोनों में टक्कर हो जाती है। अब टक्कर हो जाती है बच्चों, तो आपको नहीं लगता कि ए ने बी पर और बी ने ए पर कुछ तो फोर्स लगाया होगा, कुछ तो बल लगा होगा। आप वो लोग, अपने स्कूल में रिसेस होता है 10 बजे, तो कैसे आप दोनों, आप सारे बच्चे रेसिंग लगा लेते हो, फिर उसके बाद जो कॉरिडोर है उसमें दौड़ते रहते हैं, तो कभी कभार क्या होती है टक्कर हो जाती है दो बच्चों में। और थोड़ा सा ही सही बट हमें भी लगता है, सामने वाले को भी लगता है, ऐसा तो है नहीं बस आप ही को लगता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वो टक्कर होती है तो क्या आप फील करते हो, एक बल फील करते हो। तो मान लो इसने इस पर F1 बल लगाया, इसने ए ने बी पर और बी ने ए पर F2 बल लगाया, सिंपल सी बात है। इसने इस पर F1 बल लगाया और इस पिंड ने इस पिंड पर F2 बल लगाया, ऐसे मान लेते हैं। तो बॉल ए द्वारा लगाया गया बल F1 और इसके द्वारा लगाया गया बल F2। ओके, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। उसके बाद टक्कर के बाद, उसके बाद वापस से क्या, आप टक्कर के बाद क्या होता है, आप रुक जाते हो क्या, आप फिर से अपना दौड़ना भागना कूद फांदना आप कंटिन्यू करते हो, तो वॉर भी भाई चलती रहती है, फिर से शुरू कर देती है ए और बी फिर से। लेकिन डेफिनेटली इस टक्कर के बाद उनके वेग में कुछ तो बदलाव होगा, तो मान लो वो हो गया उनका अंतिम वेग और उसे हम दर्शाते हैं V1 और V2 द्वारा, V1 और V2 से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो गया इन दोनों का U1 और U2 प्रारंभिक, और ये हो गया उनका अंतिम वेग। जब टक्कर के पहले किस वेग से वो गेंद, आज उनका वेग बदल जाता है, ऑब्वियस सी बात है, हो जाता है। सिचुएशन बहुत इजी है जैसे कि, और ये जो चीज हम अब लिखने जा रहे हैं गोइंग टू डेराइव द मोमेंटम। अब हम संवेग की करने जा रहे हैं जिसके लिए ये हमारे, जो F2 है वो इतना कैसे हम इसको इतने, तो न्यूटन सर के थर्ड तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है, क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज के लिए सदैव तथा समान विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। समान एवं विपरीत, समान मतलब अगर F1 बल लगा है तो
तो दोनों का जो परिमाण है वह समान है। बट एक दिक्कत है इसमें, दोनों बल लगाने की जो दिशा है वह विपरीत है। मतलब जैसे मैं ऐसे फाइटिंग नहीं हो रही है, टक्कर हो रही है, बट मैंने उसको ऐसे पुश करेगा ना, तो हम दोनों का जो बल मैं आगे से पीछे कर रही हूँ तो वो वहां से वहां कर रहा है, तो इस सिंपल सी बात है कि तो ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन ऑपोजिट आता है हमारा, ऐसा होता है तो उसका ऐसा। ओके, सिचुएशन आप याद रखिएगा, फिर डेरिवेटिव बहुत ज्यादा सिंपल है और इतना ही इंटरेस्टिंग जो आपको बताया होगा, और अगर नहीं बताया है संवेग के दूसरे जो नियम है, सॉरी आपका तर्क का दूसरा नियम है, उसमें आपने एक इक्वेशन भी डिराइव किया होगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मैं बच्चों को याद करने के लिए क्या बताती हूँ, फादर इज इक्वल टू माँ, ये है फादर तो फादर इज इक्वल टू माँ, ऐसा नहीं है क्या? फादर और मदर दोनों इक्वल नहीं है क्या? ऑब्वियसली इक्वल है, हम दोनों से इक्वली प्यार करते हैं। तो चलो ये आपको बच्चों सिर्फ याद रखने के लिए, ओके, याद रखने के लिए, इट इज ऐसा नहीं है कि ये सच में माँ है। एफ इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे संवेग जो था वह एम और वी का गुणनफल था, ऐसे ही एफ माने कि बल एफ टू, और यहाँ पे बल एफ वन है, फोर्स जिसे आप कहते हो। तो जो बल है बच्चों वह द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो जस्ट वही मैं आपको नॉलेज लिख रही हूँ। बट एक याद करने के लिए एक मैंने आपको एक इजी सा ये बात बताई है कि फादर इज इक्वल टू माँ, तो बच्चों को याद करने में बहुत आसानी होती है और इसमें इंटरेस्ट भी बहुत आता है। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम लगाएंगे टू टू वाले पक्ष में टू टू लगा दो और यहाँ वन वन लगा दो, या क्या नहीं भूलेंगे आप, ऋण चिन्ह लगाना। तो मैं अलग अलग से लगा रही हूँ जिससे ये हाईलाइटेड रहे और आपका ध्यान यहाँ बराबर जाए। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए ये हमने क्यों लिखा है, कहाँ से लिखा है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। तो यहाँ आप लिख दीजिए, तीसरे नियम द्वारा, इसका मतलब कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। तो ये हमने तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से लिख दिया है। अब हमने इसको एक्सपांड किया, F का सूत्र होता है ma, जैसे कि मैंने आपको बताया F इज इक्वल टू ma, जहाँ पे F बिल्कुल भी फादर नहीं है, वो आपको याद करने के लिए है। जहाँ पे F है बल, बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। अब इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं बच्चों और लिखते हैं m2। हमें a का लास्ट लेक्चर में, इवन मेरा ही टॉपिक था, ए का सूत्र जहाँ पे मैंने आपको बताया था वी माइनस यू अपॉन टी, जैसे कि मैंने बोला पहले आप एक बार उसको लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम वो वन टू बड़े आराम से लिखेंगे बाद में। उसके बाद अगेन वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे वी जो है अंतिम वेग, ऋण प्रारंभिक वेग, अपॉन माइनस यू अपॉन टी। तो ये टू कि मैंने टी में क्यों नहीं, यहाँ पे आप
आप बोलेंगे मैंने पी में क्यों नहीं लगाया, पी में ए गेंद और बी गेंद में जो टक्कर हो रही है, तो टक्कर हो रही है समय, जितने समय के लिए ए बी पे बल लगाया तो दोनों के लिए जो समय है वो समान है, भी सकते हैं और अगले लाइन में बता भी सकते हैं कि टक्कर ये है दैट इज इक्वल टू डी वन, तो कैंसिल हो जाते हैं ना, सेम टर्म्स है तो आप वो लिख भी सकते ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जैसे कि मैंने बोला समान टर्म्स आप कैंसिल कर सकते हो, अगले स्टेप पे भी कैंसिल, उसके बाद हम आगे लिखते हैं ब्रैकेट, तो M2 का गुणा V, फिर रेड का चिन्ह लगाइए M2 का गुणा और रेड के चिन्ह को हमें नहीं भूलना है स्टूडेंट, V तो रेड M V और रेड का गुणा रेड में होगा बच्चों तो धना M1 U1, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, M2 V2 U2 रेड का चिन्ह ओके, फिर रेड का गुणा V1 तो रेड M1 V1, रेड का गुणा रेड में तो और M1 U1 मैंने लिख दिया है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा VV वाले टर्म्स एक साथ लिख ले और UU एक मतलब प्रारंभिक वेग वाले टर्म एक तरफ एक साथ लिख देंगे, एक पक्ष में लिख देंगे तो पक्षांतर करने तो M2 V2 ओके वहां पे आया, वहां से यहाँ आया धन M1 V1, क्या आ रहा है वहां से ये V वाले टर्म तक वहां से यहाँ लिख के आ गया, इस पक्ष पे ला रहे हैं तो हो गया वहां पे ऋण था यहाँ आया तो धन हो गया ओके। अब यहाँ पे तो M1 U1 पहले से था तो अब कौन आएगा वहां से यहाँ ऋण M2 U2 बाय से दाए में लेके आते हैं तो वहां से आते समय वह धन हो जाएगा और हमको मिलेगा M2 धन M2 U2 ओके। तो वो एग्जैक्टली है क्या ओके ये एग्जैक्टली है क्या, तो जैसे कि आप देख रहे हो यह गेंद ए, गेंद ए का संवेग है या गेंद बी का संवेग है, बट कौन सा संवेग है, टक्कर के बाद का संवेग है बच्चों, तो कुल अंतिम संवेग कुल अंतिम संवेग बराबर है, कुल अंतिम संवेग बराबर है किसके, कुल प्रारंभिक संवेग के, संवेग के तो कुल अंतिम संवेग बराबर है कुल प्रारंभिक संवेग के, इसका मतलब देखा जाए तो जब दो गेंद में टक्कर हुई यूं ए और बी, ए और बी में जब टक्कर हुई तो इसका संवेग क्या था, गेंद ए था इसलिए M1 V1, मतलब उस समय शुरुआत में टक्कर के पश्चात तो इसका संवेग जो था M2 V2 और M1 V1, M1 V1 M2 V2। अब उसके बाद उसके पहले का टक्कर के पश्चात का
जो संवेग है वह कह रहा है इक्वल हो गया है किसके, टक्कर के प्रारंभिक संवेग के, टक्कर के पूर्व के संवेग के टोटल बराबर है, क्योंकि ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे एम टू वी टू धन एम वन वी वन, ये वाले, ये वाला ए का है और ये गेंद बी का टक्कर के बाद का, और ये अगेन ए का और बी का है क्योंकि टक्कर के पूर्व का है। देखिए प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक वेग, तो इस तरीके से सिद्ध होता है संवेग की अविनाशता के नियम द्वारा, यह सिद्ध होता है कि यदि दो पिंडों में टक्कर होती है तो टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो ये हमने बड़ी आसानी से प्रूफ कर लिया यहाँ पे कि टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। बिल्कुल इजी है, बट आप कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब एक बार आप इसे बिना देखे करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली 5-6 स्टेप्स हैं इसमें, तो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब एक बार आप इसे बिना देख कर पाएंगे। तो ओके, अब संवेग की अविनाशिता का नियम बच्चों कहाँ कहाँ अप्लाई होता होगा, अभी तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, बट क्या हमें ये नहीं जानना बनता है कि ये कहाँ अप्लाई होता है? तो बच्चों वो जो अग्निबाण है जिसे आप रॉकेट कहते हो, तो रॉकेट के प्रक्षेपण में भी संवेग स्थिर रहता है बच्चों, उसमें भी कांस्टेंट रहता है, मतलब टक्कर जिसे आप कहते हो, तो कहने का मतलब जब उसकी लॉन्चिंग होती है रॉकेट की, तो जो जिस संवेग से वह आगे बढ़ता है, उस रॉकेट ऐसे ऊपर मान लो बढ़ रहा है, तो उसी संवेग से यहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड वो जो भी आप कह लीजिए फ्यूल है, तो उतना ही आग वगैरह भी रहती है, फ्यूल जलता है, ईंधन जलता है बहुत ही वास्ट मतलब मात्रा में, और एट द सेम टाइम आप देखो जितनी स्पीड से वो जाता है उतने उसके पार्ट फिर उससे अलग होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो संवेग की अविनाशता का नियम का वो मतलब कहते हैं ना सत्यापन करता है रॉकेट का प्रक्षेपण, तो वो इसी पर आधारित है स्टूडेंट, रॉकेट का प्रक्षेपण। हाँ, तो अब आगे क्या करते हैं, क्यों ना इस पे आधारित कुछ प्रश्न हम सॉल्व करें, संवेग और संवेग की अविनाशता के नियम पर आधारित प्रश्न हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो चलो पहला प्रश्न मान लो लिया, पहला प्रश्न हम लेते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न है, जिसे माना कि एक जो टोप है, एक टोप है उसका द्रव्यमान कितना है 500 किलोग्राम। तो मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ बट मैं साइमल्टेनियसली बोल रही हूँ, और जो जो चीजें हमें प्रश्न में मिल रही हैं उसे मैं नोट डाउन कर रही हूँ। तो एक टोप का द्रव्यमान कितना है बच्चों 500 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है टोप का द्रव्यमान, तो आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, सॉल्यूशन टोप का द्रव्यमान, द्रव्यमान को बच्चों जैसे कि मैंने बताया m मास m द्वारा डिनोट करते हैं, तो m कितना है, मैंने टोप का द्रव्यमान 500 किलोग्राम बताया। ओके, बोल रहा है उससे गोला, टोप ऑब्वियसली क्या होता है, टोप से गोला ही ना दागा जाता है, तो गोला दागने के पश्चात 0.25 मीटर पर सेकेंड वेग से प्रक्षेपित होता है टोप जो है, उसमें से गोला जो है दागने के बाद वो उसमें से गोला कैसे कितने तीव्र गति से वह प्रक्षेपित होती है, उसका वेग क्या होता है, वेग का बच्चों वेग को हम अगेन आप समझ लीजिए कि v द्वारा हम डिनोट करते हैं। ओके, तो वेग बता रहा है 0.25 मीटर पर सेकेंड, तो बता रहा है टोप का संवेग ज्ञात कीजिए, ये तो हमें दिया हुआ है, अब टू फाइंड आउट करना क्या है, तो फाइंड p
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्लोप का हमें संवेग ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, हमें हमारे पास है फॉर्मूला संवेग का सूत्र। संवेग का सूत्र क्या है बताइए, P इज इक्वल टू एम गुड़े V। अब चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के पहले ये ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों राशियां जो है वो SI प्रणाली में, उसकी इकाइयां जो है SI प्रणाली में व्यक्त होनी चाहिए। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इट्स डन। तो मास लिखोगे 500, एम की जगह उसका मान रखिए और वी के जगह उसका मान 0.25। ओके, और उसके बाद आपको उत्तर आता है, आप जो दो शून्य है वह तो दशमलव को हटाने में काम आ गए, तो रह जाता क्या है 25 गुणे 5। और 25 गुणे 5 मतलब 25 फाइव 125। तो आपको उत्तर आ गया P बराबर 125। देखिए ये है किलोग्राम और ये है मीटर पर सेकेंड, तो आपको यूनिट क्या मिलती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया, आपको प्रश्न पूछा था कि एक तोप का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है और उससे गोला दागने के पश्चात 0.25 मीटर पर सेकेंड वेग से प्रक्षेपित होती है, तो तोप का संवेग ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख दिया m जो है तोप का द्रव्यमान लिखा 500 kg, किस वेग से वह गोला उसमें से निकला 0.25 मीटर पर सेकेंड से, इतने वेग की दर से वह निकल गया। उसके बाद अब तोप का संवेग बताइए p बराबर mv, इसका और इसका गुणनफल। मैंने बताया कि जो 500 में दो शून्य है उन दो शून्यों का उपयोग हमने क्या किया, दशमलव बिंदु को दो अंक से राइट में ढकेल दिया। तो ये हो गया 25 गुणे 5, 25 फाइव 125। तो आपको उत्तर मिलता है 125 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब आप शाब्दिक प्रश्नों का उत्तर, बच्चों सदैव हमें शब्दों में ही लेना होता है, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमेशा वर्ड में ही हमें उसे आंसर करना होता है। तो इसीलिए लिखोगे आप, अतः तोप का संवेग, अतः तोप का संवेग कितना है 125 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, ऐसा आपका उत्तर लिख दोगे। एंड इट्स डन। कितना इजी था ये, तो हार्डली इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब उसके बाद अगर किसी बच्चों को कुछ डाउट है, तो अगर किसी बच्चों को कुछ नहीं समझा या कुछ डाउट है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट।